सो ओके फ्रेंड्स, बारबी मूवी का ट्रेलर आया है और ये मूवी 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ है। वेल, अभी तो अगस्त चल रहा है। रिव्यू थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मैं एक्चुअली बिजी था, क्योंकि मेरे चल रहे थे एग्ज़ाम्स। अब एग्ज़ाम से फ्री होकर फ्रेश माहौल हो चुका है। सो मैं बारबी के रिव्यू को आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने इसका ट्रेलर देखा गाइस इंग्लिश लैंग्वेज में विद इंग्लिश सब टाइटल्स, और मुझे बहुत मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जब मैंने मूवी देखी तो मुझे एक किन नज़र आए और एक नज़र आई बारबी। हालांकि बारबी जो है वो एक्चुअल में मार्गरेट रूबी हैं और जो कैन है वो रियान गोसलिंग है। दोनों मेरे हार्ट में बसते हैं यार। आपके हार्ट में बसते हैं या नहीं आई डोंट नो, एंड मुझे जानना भी नहीं है। वेल, बसते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे बता सकते हैं। सो फिल्म की कहानी है बारबी की घूमती कित, हाँ ना सॉरी कित नहीं, कैन और बारबी के बीच में, जो कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे खूब सारा आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं ऐसा होता, कुछ उनके भी ख्याल आते ऐसे होते, लेकिन ऐसा एक्चुअल है ऐसे नहीं है। उनको मजबूर किया जाता है जब वो एक्चुअल वर्ल्ड में आते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ रहें, लाइफ को एंजॉय करें, और उन्हें पता चले एक्चुअल में लाइफ क्या है। क्या है वैसे, मुझे खुद नहीं पता यार। ओके, दैट्स द स्टोरी ऑफ द मूवी। के कैन और जो बारबी हैं उन्हें भेज दिया जाता है उनके इमेजिनरी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में, और रियल वर्ल्ड में आकर उनको डिफ़िकल्ट चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस उनको ये होता है कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ रहना कैसा है। क्रेडिट ऑब्वियसली जाता है ग्रीटा गर्विक को, जो इस मूवी की डायरेक्टर है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड स्टोरी लिखी इस मूवी की, जिसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, और रैन गोजलिंग भी हैं, मार्गरेट रूबी भी हैं। सो, जब मैंने ट्रेलर देखा तो जो कैन होते हैं वो बारबी से कहते हैं कैन आई कम टू योर होम टू नाइट, वो उनको कहते हैं यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट कम प्लीज कैन कम, और कैन जो है वो मुंह उठा के वहाँ चले जाते हैं। वैसे जाना चाहिए था या नहीं मुझे नहीं पता, जाना चाहिए था या नहीं, लेकिन वो चले जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जो बारबी हैं उन्होंने उनके लिए ज़्यादा कुछ बड़ा प्लान नहीं किया है। और बस इतना ही रिव्यू है। बाकी सीजीआई की बात करें तो बहुत अच्छा मुझे लगा फिल्म का सीजीआई, क्योंकि सीजीआई जो है ड्रामा मूवीज़ में इतना टॉप क्वालिटी का दिखने को मिलता नहीं, बट इस मूवी में मिला है यार, एक्चुअल में मिला है, और मैंने बहुत इन्जॉय किया है। सो 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 एक और इसमें सीजीआई का हमें पता चलता है वो सीन जो ट्रेलर में है, व्हाई दिस मैन आर लुकिंग एट मी, जब बारबी अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से निकल कर जाती हैं एक्चुअल वर्ल्ड में, तो वो आदमी जो उन्हें ऐसी आँखें घूर घूर के देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या है, जैसे कोई नई चीज़ उतरी है, हूर परी उतर के आ गई है। तो वो बारबी कैन से कहती है व्हाई दिस मैन आर लुकिंग एट मी, तो वो इसके बताते हैं कि आप ऊपर से नीचे आई हैं इसीलिए ये आपको देख रहे हैं। सो गाइस, ओवरऑल मुझे अच्छा लगा ये ट्रेलर, और इस मूवी के रिव्यू को मैंने आपके साथ शेयर किया। वाली ये थिएटर्स में आ चुकी है, कॉमेडी मूवी है, ड्रामा मूवी है, सो आप फैमिली के साथ जा सकते हैं इसको देखने के लिए। अभी बैठे क्यों हो यार, जाओ, मैं भी जा रहा हूँ अगली वीडियो बनाने।